कई सिम विक्रेता ग्राहकों को प्री एक्टिवेटेड सिम बेचते हैं। ऐसी सिम का यूज करने वाला ग्राहक फ्यूचर में बड़ी परेशानी में फंस सकता है। कुछ समय पहले रिलायंस जियो सिम को लेकर भी इस तरह की खबरें आई, जिसमें सेल्समैन कस्टमर टारगेट पूरा करने के लिए सिम खरीदने आने वाले ग्राहकों के फिंगरप्रिंट्स और आधार कार्ड से सिम एक्टिवेट कर दूसरों को 300 सेकंड 1000 रुपए में बेच रहे थे। इनसे बचने के लिए ग्राहकों को भी अवेयर होना होगा। ग्राहक खुद ही यह पता कर सकते हैं कि उनकी आईडी पर कौन सी सिम एक्टिवेट है। हम बता रहे हैं ऐसी टिप्स जिन्हें जानने के बाद आप मुसीबत में पड़ने से बचेंगे। आपकी आईडी पर कौन यूज कर रहा है जियो सिम, ऐसे करे पता। आपकी आईडी पर कोई दूसरा तो नहीं चला रहा है सिम, ऐसे करे पता। जियो सिम आधार नंबर के जरिए एक्टिवेट की जा रही है। कई विक्रेता कस्टमर का धोखे से बार बार फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। एक बार फिंगरप्रिंट व आधार आईडी लेने के बाद आपकी आईडी का मल्टीपल यूज किया जा रहा है। एक आईडी से ही 5 से 6 सिम एक्टिवेट की जा रही है। एक ही आईडी व फिंगरप्रिंट का यूज इस तरह से कैसे हो रहा है, यह अभी पुलिस के लिए भी जांच का विषय है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप जब भी सिम लेने जाए तो आईडी पे स्पष्ट लिख दे कि यह आईडी वन टाइम यूज के लिए है। आईडी की फोटोकॉपी पर सिम कार्ड IMEI नंबर भी लिख दे। हर सिम कार्ड के एनवेलप पर IMEI नंबर लिखा होता है। सिम किस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं यह भी लिखे। सिम पर अपने हस्ताक्षर करें। यह चेतावनी भी लिखते कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स का कहीं और इस्तेमाल किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जब फिंगरप्रिंट व आधार एक्टिवेट करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि पहचान वाले रिटेलर से ही एक्टिवेट करें। फिंगरप्रिंट देते वक्त ध्यान रख कि कहीं धोखाधड़ी तो नहीं की जा रही है। आप रिलायंस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर 198 पर कॉल कर आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर किसी दूसरे का सिम एक्टिवेट तो नहीं हुई है। वेबसाइट www.gio.com पर अकाउंट बनाकर माय अकाउंट ऑप्शन में जाकर अपने आधार नंबर से एक्टिवेटेड सिम की जानकारी ले सकते हैं।